हाथरस में भगदड़ कांड में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 2 जुलाई की सत्संग में मौजूद थे और भगदड़ के दौरान ये फरार हो गए थे। ये बाबा के संगठन के सेवादार भी हैं। अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार मुख्य आरोपी देव प्रकाश का बैंक अकाउंट खंगाल रही है, लेकिन बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस समूचे मामले के मुख्य किरदार यानी कि बाबा को पुलिस ने क्यों छोड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चूंकि हादसे के वक्त बाबा मौजूद नहीं था, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन तथ्य ये है कि अमूमन ऐसे मामलों में शिखर पर रहने वालों को आरोपी बनाया जाता है। तो क्या बाबा को कोई बचा रहा है? क्या हमारे नेताओं में, पुलिस में, प्रशासन में ये साहस नहीं है कि जिस मामले में 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई, उसके सबसे अहम किरदार पर भी हाथ डाला जाए और कुछ पूछताछ वहाँ भी हो? तो आखिर गिरफ्तारी पर जो सवाल उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं है, और अगर मौके पर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन भगदड़ तो उस वक्त ही हुई जब वो वहाँ पर थे और ख़त्म करके जा रहे थे या वहाँ से निकल गए, उसके बाद भगदड़ मची और लोग मारे गए। नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला। मनीष शुक्ला जी, ये बाबा जो हैं जिनके कार्यक्रम में भगदड़ हुई, कुल मिला के 11 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है, आयोजक जो रहे उनको गिरफ्तार किया गया, क्या बाबा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? देखिए नगमा जी, जिस दिन ये घटना घटी उसके तत्काल बाद युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी प्रारंभ की, राहत की भी व्यवस्था की, जो घायल थे उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की, एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, SIT का गठन किया गया है, जो तमाम कारणों का पता लगा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है उसकी पड़ताल कर रहा है। 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई, आपने स्वयं बता दिया है, जो मुख्य आरोपी था जिसने इस कार्यक्रम की परमिशन ली थी, मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और एजेंसी जांच कर रही हैं, जो जो लोग भी इनके पीछे होंगे, चाहे वो प्रवचनकर्ता ये भोले बाबा हो या अन्य कोई भी हो, यहाँ पर 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी और जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आयोजन किया था, उनकी गिरफ्तार हुई, तो मुख्य किरदार जिनके सभा में ये सब कुछ हुआ, बताया गया कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग दौड़े और भगदड़ उसके बाद हुई, तो क्या उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ की भी जरूरत नहीं थी? आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ कमी रह गई है? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, SIT और आयोग पहले प्रत्यक्षदर्शियों से, पीड़ितों से, वहां के कप्तान से, वहां के जिलाधिकारी से, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से सबसे पूछताछ कर रही है और साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए हैं। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड सबको भेजा गया है और पुख्ता जानकारी, सबूत सब एकत्रित किया जा रहा है। बाबा हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या आयोजनकर्ता हो, जिनका भी ये जो इतना बड़ा हादसा जिनकी भी था, उसकी जिम्मेदारी किसकी? नाहिद लारी खान, अभी भी कहा जा रहा है कि मुख्य जो इसमें आरोपी हैं, मुख्य किरदार हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, देव प्रकाश उनका बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है। एक मिनट, आपके पास भी आऊंगी, आपने 2 बार जवाब दिया है। नाहिद लारी खान भी हमारे पास है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। नाहिद लारी खान, इसकी मुख्य जिम्मेदारी बनती किसकी है इस हादसे की जिसमें 120 लोग मारे गए? देखिए, प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि जिन अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के होने की संस्तुति दी और जिन अधिकारियों ने परमिशन दिया, वह भले ही 80,000 भी कम भीड़ नहीं होती, 80,000 की भीड़ का जिन अधिकारियों ने परमिशन दिया, तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट होता है कि उनकी नेग्लिजेंस के कारण इस तरह की भयावह घटना हुई जहां 121 लोगों की जाने के, और विशेषकर 99% उसमें महिलाओं की जाने की, परिवार के परिवार उजड़ गए, घर के घर उजड़ गए, तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है जिन्होंने संस्तुति दी, जिन्होंने परमिशन दिया, उनकी नेग्लिजेंस के कारण ये घटना हुई। तो ये आवश्यक है कि अविलंब इन अधिकारियों के ऊपर। लेकिन नाहिद, आपको क्या नहीं लगता कि बाबा की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? वो मुख्य किरदार है, उनकी सभा थी, वो वहां से निकल गए और उसके बाद फिर लापता हो गए। 304 गैर इरादतन हत्या का मुकदमा, मैं आपको बता रही हूँ नगमा जी, लोग हैं उनके ऊपर 304 का मुकदमा कायम हो, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती।
है, प्रशासन का मतलब सरकार होता है, तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदार, इस घटना की जिम्मेदार सरकार भी। और आप अगर जो कथावाचक जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए सरकार का भी वर्जन आ चुका है इस मामले में और ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। सरकार की मंत्री है, बड़ी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वरिष्ठ नेता है, दलित समाज से है, गवर्नर रही बीबी रानी मौर्य जी, उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने क्लीन चिट दी बाबा कथावाचक जी को और कहा कि वो इस घटना के दोषी नहीं है, भगदड़ होने से पहले वो वहां से चले गए थे, ये स्पष्ट बीबी रानी मौर्य जी ने कहा। दूसरे जो आईजी रेंज शलभ माथुर जी, उन्होंने भी स्पष्ट यही बात कही, ऑफिशियल वर्जन है कि कथावाचक जी इस घटना के दोषी नहीं है, ये भगदड़ होने से पहले ही वो वहां से चले गए थे। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि माननीय सुप्रीम पर सरकार में शामिल लोग स्वतः संज्ञान ना ही देख, मैं जवाब देने दें आप अनीश शुक्ला को, जो वो कह रही हैं कि आधिकारिक तौर पे ये बयान दिए जा रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है बाबा की, आपको क्या लगता है? अब आप जांच और एसआईटी की बात बाद में करें, पर यहां पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले भी इस तरह के मामले कई जगहों पे हुए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों की भी जिनके यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं इसमें, मनीष शुक्ला। देखिए देखिए नगमा जी, एक तो ये समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया की बात का जवाब दे दें कि आपके पार्टी के नेता आधिकारिक तौर पर बयान दे रहे हैं कि बाबा की जिम्मेदारी नहीं है। आप जब कंप्लीट करने देंगे तभी विषय पहुंच पाएगा। सवाल जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दें। अरे जवाब तो देने दीजिए, वो दीजिए जवाब। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि जिम्मेदारी बनती है या नहीं, जो वो सवाल उठा रही है, आपको क्या लगता है? एक तो ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ये लगातार झूठ और फरेब बोल रही है कि समाजवादी किसी को क्लीन चिट बोल रहे बाबा की बात पे आइए। मुझे मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। आपके किसी को कहीं भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है भाई नगमा जी, इस तरह से डिबेट थोड़ी होती है। आप बोलने नहीं दे रही लगातार, आप सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी की बात है, आप समाजवादी पार्टी का बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बाबा की जिम्मेदारी बनती है इसमें या नहीं? ना ही प्लीज आप चुप रहे, जरा सा जवाब देने दीजिए इनको। आप पूछ रही है चाहे समाजवादी पार्टी पूछ रही है, ये मेरा ये वर्जन यही है कि सपा कांग्रेस तमाम लोग ये झूठ फैला रहे हैं, आपके चैनल पर झूठ फैला रहे हैं। किसी को कहीं भी किसी को कहीं भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। अरे क्या सभी लोग जांच के दायरे में सभी लोग हैं, और स्टेटमेंट दिया है, जांच के दायरे में सभी लोग हैं, जांच के दायरे में सभी लोग हैं। के प्रवक्ता हैं आप, उनके ऊपर नहीं है, सरकार के ऊपर नहीं है आप। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैसे मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, वैसे आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सरकारी प्रवक्ता नहीं, सरकार का वर्जन आ गया, कैबिनेट मंत्री का स्टेटमेंट मतलब सरकार का वर्जन, आईजी रेंज शलभ माथुर जी का वर्जन मतलब ऑफिशियल वर्जन। नायदारी जवाब तो देने दीजिए, जवाब दीजिए। चीख और चिल्ला रही है उससे स्पष्ट है कि आप जवाब देने दीजिए। आप बोलिए अपनी बात, आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या आधिकारिक तौर पे ये वर्जन आया है कि इनकी गिरफ्तारी के इनका दोष नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी को क्लीन चिट नहीं है। दरअसल नाहिद लारी खान रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव की तरह बाबा को बचाने के लिए बयान दे रही हैं। रामगोपाल यादव का जरूर बयान आया था कि नहीं जी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, सबरीमाला में हो गया, यहाँ हो गया, घटनाएं होती रहती हैं, बहुत लोकप्रिय थे। तो ये समाजवादी पार्टी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार का बेबी रानी मौर्य की बात उन्होंने की, आईजी साहब की बात उन्होंने की। अरे कहाँ पे है बयान? सारे चैनलों पर आया, आपके पास तो एनडीटीवी है, एनडीटीवी के पास तो दिखाए, एनडीटीवी के हर पास चैनल तो हर समाचार पत्र में आया है। देखिए एक बार झूठ की कढ़ाई कैसे झूठ चलिए झूठ बोलने नहीं बोले, लेकिन आप एक बात बता देना है। एक मिनट, आप ये इन्होंने जैसे आरोप लगाया कि आप लोगों की तरफ से भी बाबा को बचाने की बात हुई है, बाबा के ऊपर यहाँ पर मुख्य जिम्मेदारी किसकी, क्या उन कथावाचक की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। आप दोनों अगर सिंपल इसका जवाब दे दें कि हाँ है या नहीं, आप क्या मानते हैं मनीष जी? बिल्कुल बिल्कुल, वहां मौजूद सभी लोग की जिम्मेदारी अगर बनती है तो बाबा की भी जिम्मेदारी बनती है, जांच के दायरे में। तो फिर इसी से जुड़ा अगला सवाल कि फिर आपको लगता है कि देर हुई है उनकी गिरफ्तारी में, फिर आपको लगता है कि क्या देर और कोताही बरती गई उनकी गिरफ्तारी में, जहां 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? एजेंसी काम कर रही है, जांच चल रही है, साक्ष एकत्रित किए जा रहे हैं, कोई बचेगा नहीं, हमारी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज दो और गिरफ्तारियां हो गई हैं जो कि उन्हीं के सेवादार हैं, लेकिन बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस।
नहीं, बाबा बाबा तक भी जब पहुंचना होगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच जाएगी। कोई अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि माफियाओं, अपराधियों या इस तरह की घटना में दोषी को बचाने का प्रयास करें। सरकार में नहीं है तब भी रामगोपाल यादव और अखिलेश देखिए यादव का कितनी बयान दे दीजिए राजनीति इस कर समय। रहे हैं, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव बाबा को बचा रहे हैं, नाहिद लारी खान। देखिए देखिए नहीं, नगमा जी, मैं ये नाहिद लारी अब खान मुझे कहते बोलने आज का मौका चैनल पे बैठ के। अब मुझे मौका चलिए दीजिए नगमा अखिलेश जी, यादव बोलिए रामगोपाल देखिए यादव अभी छोड़ आप दीजिए, इनको मुझे चुप इनसे कराया एक था, सवाल पूछिए जो आपने हमसे पूछा है। ठीक है मनीष, इनको मनीष चुप जवाब कराइए, सुन तो मैं लीजिए, भी आपने आरोप भाई लगाया नगमा सुन जी, लीजिए उनको जो सवाल आपने नगमा हमसे जी पूछा है कहिए वही सवाल मनीष, इनसे एक पूछ मिनट लीजिए। प्लीज उनकी बात पूरी अरे होने भाई दीजिए, नगमा आपको जी भी पहले मौका मिला उनसे था। भी सवाल पूछ लीजिए, सवाल नगमा उनसे भी जी पूछ लीजिए। सवाल ही पूछ रहे हैं उनसे, आप पूछ ही का लिए सवाल सब, पूछ रहे नहीं हैं, ये सवाल पूछिए थोड़ा ना तसल्ली रखिए कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। क्या जी बिल्कुल सुन लिया नगमा आपका जी, सवाल, जवाब दीजिए, नगमा जी समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। देखिए नगमा जी, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठ नहीं के झूठ बोल रहे हैं वो उचित नहीं बोल नहीं है। सकती, चलिए भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे होंगे, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव ने बाबा को बचाने की बात कही है। नगमा जी नगमा जी देखिए इस तरह से उचित नहीं कि या तो आप बीच में बोले या मनीष जी, मुझे भी अनइंटरप्टेड बोलने का आपको मौका, ही बोलने को दे रही हूँ, आप रहिए कहिए तो बात अपनी। मैं तो मान्य, हम लोग तो मान्य सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि मान्य सुप्रीम कोर्ट इस दुखद घटना का स्वतः संज्ञान ले, तभी जो है कार्रवाई होगी और तभी न्याय मिलेगा। पहले भी इसी हाथरस, ऐसे ही हाथरस के कांड में जहां दलित समाज के युवती के साथ भाजपा के गुंडों ने जबरन अपराध किया था, बर्बरता की सारी हदें पार। नगमा जी आपके सवाल का जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया, और जैसे आप हमको रोक कर पूछ रही थी एक बार मैं वही सवाल उनसे भी पूछ रही हूँ, वो कह रही है समाजवादी पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। आप मुझे बोलने एक सेकंड और दे, नगमा जी नगमा जी इतनी जल्दी नहीं, देखिए एक सेकंड और दे, हमारे दूसरे मामले हैं, लेकिन मामले पूछा हमने कहा बिल्कुल सभी लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन मनीष आप पूरा करने दीजिए, मनीष आप उनको बात पूरी करने दीजिए। अरे भाई हम तो आपसे अपील कर रहे हैं, आप तो लगातार हमसे सवाल काउंटर सवाल पूछ रही थी, समाजवादी पार्टी के समय में चुप क्यों हो गई नगमा जी आप? एक मिनट मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, आप गलत बयानी मत कीजिए कि मैं चुप हो गई हूँ समाजवादी पार्टी के मामले में, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, आप उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड मनीष जी प्लीज, आपका माइक नीचे करना पड़ेगा, आप बोलने दीजिए एक मिनट, पता ही क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है ये सवाल पूछा है आपने, जवाब दीजिए। मैं बता रही हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के देखरेख में इसकी जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो और जनमानस का न्याय पर और विश्वास। चलिए ठीक है, आपका आपका वक्त खत्म हो गया मनीष, आपका ठीक है, नाहिद आपकी बात हमने सुन ली। मनीष इसका मतलब कि सरकार पे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भरोसा नहीं है और जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, आपको कुछ कहना है इस पे? आप कंक्लूड ठीक नहीं कर रही हैं, आप कंक्लूड करिए समाजवादी। मैं बता रहा हूँ इसका यही मतलब है जो रामगोपाल यादव जी ने पहले दिन कहा, अखिलेश यादव जी ने पहले दिन कहा, और ये जो राजनीतिक कनेक्शन है ये साफ हो गया। हमारी सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं, उस दायरे में प्रशासनिक अधिकारी भी है जिन्होंने परमिशन ली, वो भी है जो प्रवचन करता है वो भी है। तो अभी धन्यवाद बहुत आप दोनों का, आपका कहना है कि जांच की जांच पड़ताल चल रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि अब तक 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, आज भी कथावाचक के वहां से 2 सेवादार गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो तथाकथित बाबा जो हैं भोले बाबा और कथावाचक, उनके ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई दबिश नहीं हुई और कोई पूछताछ नहीं हुई, और क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो पा रही है। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ में।